apa ini? You're right. Thank you. You're right. Thank you. धान धाय धान कुछ बताएंगे अपने रोल के बारे में? मेरा रोल एक जीनियस का रोल है और हम लोग बीच में आ जाती है तो कैसे आगे बढ़ेगी कहानी ये देखने के बाद ही पता चलेगा। 24 अगस्त को रिलीज हो रही है जीनियस, तो उसका एक डायलॉग है तो मैं बोल देता हूँ। दिल को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए, सब खेलते हैं इसके साथ। सो हू इज मोर जीनियस इन द फिल्म? सबसे ज्यादा जीनियस कौन है फिल्म में? सबसे ज्यादा जीनियस अनिल सर है। अरे भाई, स्क्रीन पे सिर्फ सबसे ज्यादा जीनियस नजर आते हैं, सुपर जीनियस हमारे इन जिंदगी साहब जो है। मैं अंतिम चलते हुए आ रहा था, मैंने कहा आपकी वॉइस में ऐसी क्या बात है जो कि लड़के तो लड़के लड़कियां ज्यादा दीवानी है, बताइए क्यों? समझ नहीं आता है इतना क्यों सारे। मैं जानना चाहता हूँ लड़के तो लड़के लड़कियां इनकी इतनी सारी दीवानी क्यों है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की को बताएगा मुझे, बताइए। वाह, सो हाय उत्कर्ष। सो उत्कर्ष, मुझे आपकी मूवी का, इस मूवी का नहीं, एक और मूवी आपने की थी उसका एक डायलॉग याद है, कोई बताएगा वो डायलॉग क्या था? हिंदुस्तान जिंदाबाद। Okay, so now, would you like to say something about this role? What are you portraying in this film? First of all, thank you everyone. And I'm doing a genius role. Nawazuddin Siddiqui, sorry. So, हमारे बीच में दिलों की लड़ाई भी है and दिमाग की लड़ाई इस ज़्यादा। बाजुओं की लड़ाई ये दिमाग की लड़ाई है। तो बहुत ही यूनिक लड़ाई आपको देखने मिलेगी। सस्पेंस, एक्शन, कंप्लीट एंटरटेनमेंट जरूर देखने आइए। एंड नवाज सर के डायलॉग तो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, तो बहुत एंटरटेनमेंट इस पिक्चर में। थैंक यू। कम ऑन एवरीवन, तालियां बजनी चाहिए यार, तालियां बजनी चाहिए जोर से। वाह, सो नाउ दिस इज अ फेवरेट डायलॉग ऑफ द ट्रेलर जीनियस ट्रेलर, दिल की लड़ाई दिमाग से। इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है? तो जैसा कि मैंने कहा कि हम दोनों के बीच में दिल का टकराव है एंड दिमाग से लड़ते हैं हम दोनों दिल के लिए। तो ये मुझसे पूछते हैं कि एक रिडल खेलते हैं, दिल की लड़ाई दिमाग से, और मेरा कैरेक्टर इनको जवाब देता है कि दिल से मैं खेलता नहीं और दिमाग से खेलने देता नहीं। थैंक यू उत्कर्ष। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर अनिल सर। सो हमने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं एंड द लास्ट सिंग्स ऑफ द ग्रेट एंड नाउ दिस इज अ फिल्म, कैसे आप इस फिल्म को अलग बताएंगे कि ये फिल्म में आपने क्या मतलब तोड़ने की कोशिश की? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले फिल्में तो मेरी लोगों ने यहाँ थोड़ी बहुत देखी होंगी और मुझे लगता है कि गदर तो आप सब लोगों ने देखी होगी। और गदर में जो एक छोटा सा बच्चा था जीते, वो भी याद होगा, वो यही है उत्कर्ष जी जो तबाक से मेरे बेटे हैं। और ये जो फिल्म है जीनियस, जैसा अभी उत्कर्ष ने भी बताया, नवाज भाई ने भी बताया कि 24 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। और कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल की लड़ाई है जो दिमाग से खेली जाती है, जो आपका दिल भी धड़काएगी और दिमाग भी दहलाएगी। और म्यूज़िक हिमेश रेशमिया का है, जो ऑलरेडी एक गाने काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं जो आपको काफ़ी एंटरटेनमेंट करेंगे, स्पेशली तेरा फितूर और दिल मेरी ना सुने कई सॉन्ग्स हैं। तो 24 अगस्त को आप लोग आएँ और आप जीनियस देखें। एंड जैसी मेरी फिल्में होती हैं कि मासेस के लिए होती हैं, आप लोगों के लिए होती हैं, जो कि सिनेमैटिक एक एक्सपीरियंस के लिए फिल्म होती है कि सिनेमा में आएंगे तो आपको एक सिनेमा देखने को मिलेगा जहां आपको लुत्फ आएगा, जहां गाने देखने को मिलेंगे, तालियां बजाने को मिलेंगी और फुल टूल्स एक फिल्म देखने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ
कि आप लोग आएंगे और प्यार अपना बरसाएंगे जीनियस के ऊपर. थैंक यू वेरी मच. थोड़ा जोर से. सो ऑल द सॉन्ग ऑफ दिस फिल्म, व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग? अरिजीत सिंह का गाया हुआ गाना मेरा फेवरेट है, तेरा पति. उम्मीद करना आप सबने सुना है. तो यू वांट टू उत्कर्ष विल सिंग द सॉन्ग? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. यस और नो? थोड़ा और लाउड. यस और नो? ब्यूटीफुल. सो द प्लीज. अरे भाई हम एक्टर्स हैं, हम लिप सिंक करते हैं, असली में गाते थोड़ी है. तो एक कोशिश करते हैं. इनको भी ये गाना आता है, साथ में गाइएगा प्लीज. तेरा पतू जब से चढ़ गया है, तेरा पतू जब से चढ़ गया है, साइफाई फिल्म है. आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलेंगी जो अक्सर जो आपकी नॉलेज बढ़ाती हैं. तो आप प्लीज़ जाइए फिल्म देखिए. और इशिता और उत्कर्ष, उनका बहुत अच्छा अभिनय है. और ऑफकोर्स अनिल सर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, तो उनका एक स्टाइल है, तो उस स्टाइल के लिए आप जरूर देखें फिल्म. 24 अगस्त, जीनियस. You know Nawasa? Yeah! Okay. Now, so guys, if you love yourself, go and watch this movie Genius on 24 August in cinemas. So now, दिल को राष्ट्र के भूलना चाहिए, सब खेलते हैं इसके साथ, मैं भी खेलूंगा. गाइस गाइस, सेक्रेट गेम वाला. माइक बंद है, माइक बंद है. देशभक्ति भी अजीब नशा है, खामा खा लोग जान देने पर तुले रहते हैं. जान लेने की चीज नहीं है, जान देने की चीज नहीं, देने की चीज है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो नाउ सो ट्राई टू गॉट इट. सो रेडी रेडी.
beautiful, beautiful, amazing moments. Wow. देखिए बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, पब्लिक ने इस तरह से घेर लिया, इतना प्यार दिया कि भाग के देखिए मैं पार्किंग के पास आके आपको बाइक्स दे रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का इतना प्यार, इतना दुलार. आई एम रियली थ्रिल्ड एंड आई एम रियली टच्ड विद द पीपल एंड आई एम क्या बोल रहा हूँ. 24 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है, जीनियस इतना ही कहना चाहूँगा. शोम रॉक स्टार दीपक मुकुट साहब ने ये फिल्म बनाई है, मैंने डायरेक्ट की है, और उत्कर्ष शर्मा, अश्ता चौहान, इसमें दो इंट्रोड्यूसिंग दो बच्चे हैं, और नवाजुद्दीन है, मिथुन दा है, और हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक है. गाना ऑलरेडी तेरा फितूर का फितूर सब पे चल गया है, और भी सारे गाने पिक्चर के बहुत हिट है, दिल मेरी ना सुने, होली वगैरह वगैरह वगैरह. तो 24 अगस्त को आप लोग आएँ और जूनियर्स देखें, और जो प्यार जीते पर यानी उत्कर्ष पर, गदर में जो छोटा बच्चा था आप लोगों ने बरसाया था, वही प्यार फिर से उत्कर्ष पर बरसाया जूनियर्स में, और 24 अगस्त. थैंक यू वेरी मच. जी आई एम ओवर द मून बिकॉज ये रिस्पॉन्स देखिए आज के डिजिटल मीडियम में डेफिनेटली आप पब्लिक से हर टाइम इंटरेक्ट नहीं कर पाते, पर आज जब मौका मिला है तो मुझे वो दिखा है जो प्यार उन्होंने गाने को दिया है, ट्रेलर्स को दिया है एंड प्रोमोस को दिया है, तो वो प्यार मुझे जब मुझ पर लिटरली बरसा है एंड नवाज सर पे बरसा है, इशिता पे बरसा है, तो देख के बहुत खुशी हो रही है एंड बहुत एक्साइटमेंट बढ़ गया है. 6 ही दिन बाकी हैं रिलीज़ के, तो अब तो कंट्रोल नहीं होता. जी सोहम रॉकस्टार एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये नए टैलेंट को सपोर्ट कर रही है, नए टाइप की फिल्म्स एंड सिनेमा को सपोर्ट कर रही है. वो जानती है कि देश में किस तरह का सिनेमा की ज़रूरत है. दीपक जी एंड कमल जी जो हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं अपने अपने फील्ड में. कमल जी ने तो बहुत फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम किया, उनको इस्टेब्लिश किया है, तो मैं मानता हूँ वो सब तो पारखी की नज़र रखते हैं एंड जो भी दाव लगाएंगे वो सफल ही होगा. सर ये मैं समझा कि काफ़ी फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ गई यहाँ पे, खासा फीमेल फैन की बात करें, क्या कहना चाहेंगे, वो कितना कंट्रोल करना मुश्किल हुआ है? जी जब आपको प्यार मिलता है मेल फीमेल किसी से भी, वो आपका दिल खुश कर देता है एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन सब के, एंड मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको अपने फिल्म के जरिए एंटरटेन कर सकूँ एंड उनको खुश रख सकूँ. और नवाज भाई का भी आपने क्रेज देखा कि काफ़ी है, तो नवाज भाई का इस फिल्म में होना आपके लिए कितना बड़ा एक यू नो सपोर्ट है अगर देखा जाए? जी बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि जब इतना बड़ा कलाकार आपके सामने होता है तो आपकी परफॉर्मेंस तो निखर ही जाती है, साथ ही साथ फिल्म भी निखर जाती है. तो अल्टीमेटली लोगों को फिल्म में अगर सब कुछ मिल जाए, एंटरटेनमेंट के साथ अच्छे कलाकार भी मिल जाए, तो वो बहुत सेटिस्फाइड जाते हैं घर एंड यही हमारी कोशिश है कि ऑडियंस एंटरटेन हो दिल से भी और दिमाग से. Good. Yeah. Yeah.